नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 4 मार्च 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आज की सभी ताज़ा खबरें। देख सकते हैं आज की पहली ताजा खबर ब्रेकिंग न्यूज है, अब बागियों को नहीं मनाएंगे, वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति, भाजपा के रुख पर भी कड़ी नजर। सुक्खू सरकार अब बागियों को नहीं मनाएगी, वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही 6 अयोग्य विधायकों समेत भाजपा के रुख पर खुफिया तंत्र नजर रखेगा, नाराज कार्यकर्ताओं को भी नियुक्तियां देना शुरू हो गया है। कुफरी और नारकंडा में हल्की और हाटू पीक में 2 फीट तक हुई बर्फबारी, तापमान में गिरावट। शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मौसम खराबी के चलते शनिवार रात को कुफरी और नारकंडा में हल्की बर्फ गिरी, वहीं इस दौरान हाटू पीक में करीब 2 फुट तक बर्फबारी दर्ज हुई है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट आ गई है। भारत इंग्लैंड मैच के चलते ऑफ सीजन में भी चमकेगा पर्यटन कारोबार, विमानन कंपनियों ने बढ़ाई उड़ानें। पर्यटन के ऑफ सीजन में होने जा रहे टेस्ट मैच ने जहां पर्यटकों और खेल प्रेमियों को जहां धर्मशाला की ओर खींचा है, वहीं विमानन कंपनियों को भी उड़ानों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है। उन्ना हमीरपुर रेल लाइन की डीपीआर तैयार, 3,361 करोड़ आएगी लागत, डॉक्टर सिकंदर ने सदन में उठाया था मामला। प्रस्तावित उन्ना हमीरपुर रेलवे लाइन के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर ली गई है। डीपीआर के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,361 करोड़ रुपए है। केंद्रीय रेल, कोयला एवं खान मंत्रालय राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने यह जानकारी दी है। सीपेट बद्दी का उद्घाटन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ऑनलाइन करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया सोमवार को बद्दी के सिंडोली में 44 करोड़ की लागत से निर्मित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। सीपेट के निदेशक एवं प्रमुख डॉक्टर यूपी सिंह ने बताया कि सीपेट बद्दी रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थापित एक संस्थान है। बर्फ में 1749 ट्रांसफार्मर, 652 सड़कें, 78 जल पेयजल योजनाएं जो है दफन। प्रदेश में बारिश पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कुल्लू में आज बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, मौसम की बेरुखी को देखते हुए प्रशासन ने जारी किए आदेश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 मार्च को बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा फील्ड विभागों द्वारा लगातार भूस्खलन की घटनाओं और कई सड़कों पर रुकावट की सूचना दी गई है, जबकि 1 मार्च से कुल्लू उपमंडल के लगभग पूरे क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी हो रही है। बैचवाइज भर्ती पर कैबिनेट में चर्चा, जेपीटी शास्त्री पर पहले हाईकोर्ट में होगा आवेदन अनुमानित। शिक्षा विभाग में टीजीटी, जेपीटी और शास्त्री के पदों पर बैचवाइज भर्ती के मामले में गत शनिवार हुई कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इनफॉर्मल डिस्कशन के तौर पर इस मामले को लगाया था, हालांकि एजेंडा नोट नहीं लगा था। इसी चर्चा में कैबिनेट को यह जानकारी दी गई कि टीजीटी की लिस्ट तैयार है, लेकिन जेपीटी और शास्त्री के मामले में हाईकोर्ट से अनुमति लिए बिना नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कैबिनेट का मत था कि पहले हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर परमिशन ले ली जाएगी। प्रदेश में कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट बंद, भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 जिलों में ठप की सेवाएं। पांगी में भूस्खलन से 3 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त, प्रगवाल गाँव में बर्पा कुदरत का कहर, 3 परिवार बेघर। सीमा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुरस्कार, सीएम सुक्खू ने चयन पर बधाई दी। तस्वीर आप देख सकते हैं, राज्य सहकारी बैंक खोलेगा 22 नई शाखाएं, निदेशक हेमराज बोले प्रदेश के लोगों को मिलेगी घर द्वार सुविधा। हिमाचल में अटल आदर्श योजना होगी बंद, राजीव गांधी देव बोर्डिंग स्कूल खोलेगी सुक्खू सरकार। लोगों के हितों को लेकर खामोश नहीं बैठेगी भाजपा, सरकार के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष, जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बने, या भारतीय ही नहीं पूरा विश्व चाहता है, दुनिया के हर कोने से उनके समर्थन में लोग खड़े हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की ऐतिहासिक गाथा लिखी है, इसलिए हर भारतीय चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश फिर से
देश के फिर से प्रधानमंत्री बने। यह लक्ष्य आसानी से तभी हासिल होगा जब हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से जमीन पर कार्य करेगा। शिमला में ठंड से दो लोगों की मौत, शवों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। प्रदेश में बदले मौसम के साथ बर्फबारी व बारिश के बाद चली शीतलहर से शिमला शहर में दो लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है जबकि दूसरा मंडी जिला का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों ने शराब का सेवन किया था और बाहर रहने के कारण ठंड के चलते इनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है जिनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके। उन्ना नुगराली में तूफान से दो मकानों को नुकसान, थाना खास में गेहूं की फसल तबाह। तस्वीरें देख सकते हैं। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, दो वाहनों की टक्कर मारकर खाई में लुढ़की कार। तस्वीरें देख सकते हैं। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत गांव भुट्टू समूला में रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने दो अन्य कारों को टक्कर मार दी। कार इतनी रफ्तार में थी कि अन्य दो कारों से टकराने के पश्चात वह ढांक से लुढ़ककर नीचे भट्टू समूला की उचित मूल्य की दुकान के प्रांगण में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रोडू खलावन नाला के पास बर्फ में फिसली परिवहन निगम की बस, चालक परिचालक सुरक्षित। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला रोडू से न्यूज है। रोडू क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी के चलते रविवार को परिवहन निगम रोडू डिपो की बस खलावन नाला के पास बर्फ के ऊपर से फिसलकर सड़क से बाहर की तरफ लटक गई। यह हादसा सुबह करीब 10:45 बजे तब पेश आया जब परिवहन निगम की बस पुजारली नंबर 3 से रोडू आ रही थी। इस दौरान खलावन नाला के पास अचानक बस फिसलकर सड़क से बाहर हो गई। बस में चालक तथा परिचालक ही मौजूद थे जो कि सुरक्षित हैं। सियासी घमसान के बीच अब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चंडीगढ़ रवाना, बागियों से मिलने की अटकलें तेज। जयराम ठाकुर सुक्खू सरकार का सत्ता में रहना कठिन, कैबिनेट से भाग रहे मंत्री। तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।